अंदर महल के अंदर, वहाँ पर फेमस शीश महल है, जो जिसमें सिर्फ शीशे से ही पूरा महल को बनाया गया है, वो भी हम लोग इसी के अंदर जाके देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो जगह है यहाँ पर राजा जी का राजनीतिक जो बैठक होता था पहले प्रजाओं के साथ या फिर दूसरे राजाओं के साथ, ये सारी चीजें यही इस जगह पर ही होता था। किले के अंदर से हम लोग बाहर का जो रास्ता और जो लेक है छोटा वाला, वो भी हम लोग देख पा रहे हैं, और वो सामने की ओर जो एक पहाड़ है वो भी देख पा रहे हैं, और हाथी से अगर हम लोग आते तो कहाँ से आते, वो रास्ता भी आप लोगों को यही से दिखाई पड़ेगा। हम लोग अभी आ गए हैं राजाओं के टाइम में यूज होने वाले टॉयलेट्स, बाथरूम और जो चेंजिंग रूम था वही देखने के लिए। ये जो रूम आपने देखा यही था टॉयलेट, और हम लोग अभी जा रहे हैं चेंजिंग रूम और बाथरूम के ओर, और साइड में जो है छोटा छोटा तभी के टाइम के टैंकर भी है, जो बड़े वाले टैंकर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर पानी बड़े वाले टैंकर से यहाँ पर डायरेक्टली आता था, तो यहाँ से यूज होता था। अभी आप लोग देखेंगे राजाओं के टाइम का जकूजी, ये है टैंकर, छोटा वाला टैंकर, मतलब बाथ टब। अभी आप लोग देखेंगे ये है टैंकी, तभी के टाइम का जो छोटा छोटा रूम के अंदर जो टैंकर होता था, ये है चेंजिंग रूम, फिर बाथरूम, फिर जकूजी, ये है यही वो रूम है, वो बर्ड टब है जहां पर राजा जी नहाया करते थे, और जो छोटा छोटा टैंकर था उसके साथ कनेक्टेड था, पानी भी आया करता था एक साइड से और एक साइड से पानी चला भी जाता था। ये रही वो शीश महल जो राजाओं के टाइम में 1592 में सिर्फ कांच से बनाया हुआ पैलेस है, इतना ज्यादा फेमस है ये पैलेस, मेस्मराइजिंग बोला जा सकता है। एक अगर एक ही वर्ड आप यूज करोगे इस शीश महल के लिए वो यही है। इसका जो डिजाइन है, इसका जो कारीगरी है, आप कभी नहीं भूल सकते हो एक बार अगर देखोगे तो। विंटर सीजन में सनलाइट आके जब पड़ता था इसमें, तो पूरा महल जो है वार्म रहता था, इसीलिए राजा जी ने स्पेशली विंटर सीजन में ये बेडरूम यूज करते थे। राजा जी क
का जो बेडरूम था अंदर, वो अभी किसी भी पर्यटक के लिए अंदर जाने के लिए मनाही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर का जो कांच का जो डिज़ाइन है वो ख़राब करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो बंद कर दिए हैं अभी। पर बाहर से आप पूरा पैलेस देख सकते हो। ठीक इसके ऊपर एक समर सीजन में यूज़ करने वाला पैलेस भी बना के रखा है, जिसमें समर सीजन में इतना गर्मी होता था तो वहाँ पर खुले में राजा जी और रानी वहाँ पर रहते थे। ये वही जगह है जहाँ पर रानी छोटे वाले विंडो से झांक कर राजनैतिक जो सभा जो बैठक बाहर नीचे बैठता था राजा का, वो देखते थे। और अगर कोई ज़रूरी कोई बात करनी होती थी सभा के ऊपर, तो रानी यही से उनका बात सामने रखते थे।
रहे हो वह अभी आसपास का गांव है, तभी के टाइम में भी गांव था। और ये जो आप देख पा रहे हो छोटे 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 रूम, ये है किचन, जो मैं एग्जिट के टाइम में आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाऊंगी सामने से। चलिए अब हम लोग चलते हैं महल के अंदर में, मतलब अंदर महल जहाँ बोलते हैं। महल में एक अंदर महल भी रहता है जहाँ पर रानियों का समावेश होता है, जहाँ पर रानियाँ रहती हैं, और वहाँ पर कोई भी पुरुष किसी को भी जाने का बिल्कुल अनुमति नहीं होता था। तो यहाँ पर 6 से 12 रूम एक जैसे दिखने वाले रूम्स हैं, नीचे एक है ऊपर एक है। विंटर में नीचे रहते थे और समर में ऊपर रहते थे। किन्नर की सेना यहाँ पर रहता था मौजूद, रानियों को प्रोटेक्शन देते थे, और वो लोग अपने जो रूम है वहाँ पर ही रहते थे। बीच में कभी कभी उन लोगों के लिए प्रोग्राम्स अरेंज किया जाता था, नाच गाना या फिर कोई बैठक, तो सारे रानियां अपने रूम से बाहर आके बीच में एक छोटा सा रूम जैसा, एक नाट्य रूम जैसा बनाया हुआ है, वहाँ पर आके बैठ के बैठक करते थे, बातें करते थे, और बाकी टाइम अपने ही रूम पे रहते थे। ये अभी जो हम अंदर आए हैं, एक रानी के रूम के अंदर हम लोग आए हैं। अभी आप लोगों को दिखा पा रही हूँ, ये है एक रानी का यूज़ किया हुआ रूम, जहाँ पर दासियाँ भी रहती थी, उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए, खाना बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए।
चलिए अब चलते हैं एग्जिट की ओर, जहाँ पर राजा के टाइम में किचन हुआ करता था। ये जो जगह है पूरी जगह लेके किचन और जो इस महल में जो दासियाँ या फिर और दूसरे लोग रहते थे वो लोग यहीं पर इस साइड में ही वो लोग भी रहते थे। पीछे की तरफ है ये जगह जहाँ से हम लोग एग्जिट भी करेंगे महल से। ये रही वो पतीले कढ़ाई जहाँ पर आप बैठ के नहा भी सकते हो। ये सब पतीले तभी के टाइम में यूज़ किया हुआ किचन आइटम्स है। आप देख पा रहे हो अभी भी महल में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। किचन आइटम्स, यहाँ पर खाना बनाया जाता था, यहाँ से ही प्रोवाइड किया जाता था दूसरे सैनिकों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, महल में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए। तो हम लोग अभी एग्जिट की ओर आ गए हैं, इसके आगे सिर्फ एग्जिट ही है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो लोग महल देखने के लिए आमेर पैलेस जाना चाहते हो तो वो लोग ज़रूर ज़रूर जाए।